अब हम पहुंच चुके हैं एरोप्लेन रेस्टोरेंट मुरथल में पड़ता है ये, और ये ऐसे दिखता है कुछ। मेरा काफ़ी दिनों से मन था यहाँ पे आने का, बट टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज हमें फाइनली वो मौका मिल गया है। और अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सुंदर है। बेसिकली ये एरोप्लेन जो बना हुआ है ना, वो है रेस्टोरेंट। अब हम अंदर चलेंगे वहाँ पे। आपको बोर्डिंग पास बनना बिल मिल जाएगा। क्या नाम है? भारत। ये हमारा पास है, बोर्डिंग पास। कितने का पड़ा ये जरा बताना? 200। दोस्तों सबसे पहले आपको ना ये फ्लाइट पास बनानी पड़ती है इसके लिए अंदर, और ये आप अंदर जाके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरा काफ़ी दिनों से मन था यहाँ पे आने के लिए, बट टाइम नहीं मिल रहा था, और फाइनली आज वो मौका मिल गया हमें। इस सब बच्चों के लिए भी है, झूला झूलने के पार्किंग बना हुआ है यहाँ पे। बस ये ऐसा है, एक ये है यहाँ पे, और एक ऐसा है। अगर यहाँ से देखेंगे भला जी, एक बार देखना यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको। हम उठने जा रहे हैं जी। दोस्तों अभी हम फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं, हमारा फ्लाइट है। ये मेन एंट्रो है, यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि हम काफी दिनों से सोच रहे थे ये कवर करने में, लेकिन हो नहीं पा रहा था। यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी अच्छी थी, और फ्रेंच फ्राइज भी, फ्रेंच फ्राइज अच्छी थी। यहाँ आकर आप देखेंगे तो ऐसा है अंदर से, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सही किया है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अब हम लोगों ने खा लिया है, कोल्ड कॉफ़ी पी ली है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो फिलहाल अब हम जा रहे हैं यहाँ से। बाय 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 बाय।